नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्रिया क्या होती है? क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया की रूप की वजह से हमें ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है, या भविष्य काल में होगा। क्रिया के उदाहरण, राम खेल रहा है, मीना नाच रही है, अली किताब पढ़ रहा है। धातु, धातु क्या होती है? जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। ये क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे बोल, बोल से क्रिया बन गई बोलना, पढ़, पढ़ना, घूमना, लिखना। सो घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि, ये क्या है? धातु है। मतलब इनसे क्रिया को बनाया जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। धातु के कौन कौन से भेद हैं? मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। पहली कौन सी है? मूल धातु। मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती हैं। जैसे ख, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये क्या है? मूल धातु। सामान्य धातु क्या है? धातु में जो न प्रत्यय लगाना है उसका सरल रूप बनाया जाता है, उसे सामान्य धातु बोलते हैं। जैसे खाना, सोना, रोना, पढ़ना, पढ़ से पढ़ना बन गया, लिख से लिखना बन गया, गा से गाना बन गया। तो ये क्या है? सामान्य धातु। सो मूल धातु किसी पर आश्रित नहीं होती, स्वतंत्र होती है। सामान्य धातु क्या है? धातु में जब न प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे सामान्य धातु बोलते हैं। व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, लिखवाना, बुलवाना, ये क्या है? व्युत्पन्न धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा बन गया, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती, खाना से खिलाई जाती आदि। अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की है, अकर्मक क्रिया, स्कर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना, जहाँ कर्म रहित। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वे चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। स्कर्मक क्रिया, स्कर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। स आ गया ना यहाँ पे, सकर्म, मतलब कर्म के साथ, कर्म सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर
कर्म पद पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वे चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं। कर्म क्रिया के भेद, कर्म क्रिया के ये भेद आ गए, एक कर्मक क्रिया, द्वि कर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ये सारी की सारी क्रिया आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है, एक कर्म, वे रोटी खाता है, एक ही कर्म किया कि उसने रोटी खाई, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है, एक ही कर्म के पूरे होने का पता चल रहा है। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक मतलब दो आ गया, द्वि का मतलब दो, दो कर्मों वाला या दो कर्मों के सहित, जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया, ठीक है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने बाई के साथ टीवी देख रहा है, ये क्या है? पूर्ण दिव्य कर्मक क्रिया। अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और कर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दें, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। मतलब कुछ क्लियर नहीं है, क्रिया तो है लेकिन स्पष्ट अर्थ नहीं दे रही, वो क्या है? अपूर्ण क्रिया। इनको अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। पूरक क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अपूर्ण क्रिया क्या है? जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और कर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दें, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, महात्मा गांधी थे, अब देखो महात्मा गांधी थे, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लिखें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो ठीक है, इसमें राष्ट्रपिता लिखने से स्पष्टता आ गई। सपूर्क होते हैं मतलब अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रपिता क्या हो गया? पूर्क। तुम हो मतलब अब यहाँ पे बुद्धिमान लगाया तो तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊँगा, अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊँगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ये क्या हो गया? पूर्ख। तो यहाँ तक हो गया कि डेफिनेशन है ये कि धातु क्या होती है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, कर्मक क्रिया क्या है, ठीक है। कर्मक क्रिया के आगे टाइप्स आ गई कि एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण क्रिया। अब बात करते हैं कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है? क्या, किसे या किसको आदि, यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया कर्मक है। मतलब हमने प्रेषण का क्या करना है, क्या, किसे, किसको, अगर कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया कर्मक है, यदि ना मिले तो अकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, अब मैं प्रेषण करूँ, सपोज करो कि राम क्या खाता है,
इससे मुझे क्लियर हो गया कि वो क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो कहने का मतलब खाना जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया। मुझे उत्तर मिल रहा है। फिर से देखो, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या किसे जा किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, अगर नहीं मिले तो अकर्मक है। अब क्या है, राम फल खाता है। प्रश्न करने अगर मैं प्रश्न करूं कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलेगा फल। तो अतः खाना कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अब बात करते हैं, सीमा रोती है। सीमा रोती है, क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला। यहाँ पे क्या था, क्या खाता है, तो फल खाता है। तो यहाँ पे क्या, क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला। तो रोना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी क्रिया यूज हुई है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रिया के ये भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्तक क्रिया, सहायक क्रिया। सबसे पहले आई संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चा विद्यालय से लौट आया, वे घर पहुंच गया, किशोर रोने लगा। इन सभी वाक्यों में से एक से अधिक क्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, लौट और आया, दो क्रियाएं हो गई। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। दूसरे में देखिए, रोने और लगा। तीसरे में क्या है, पहुंच गया, दो क्रियाएं हैं। तो ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। दो क्रियाएं भी हैं और एक ही कार्य कर रही हैं। लौट आया, विद्यालय से लौट आया, पहुंच गया, घर पहुंच गया। तो दो क्रियाएं हैं और एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं हैं, इसमें हथियाना क्रिया है, इसमें अपनाना है। और ये हाथ संज्ञा, हथियाना कहाँ से बनी, हाथ से, और हाथ क्या है, संज्ञा। और अपना कहाँ से बनी, सर्वनाम से बनी, अपनाना। तो अतः ये नाम धातु है, मतलब जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो वही चीज़ आ गई, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स बताता हूँ, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से जुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखाना। ये कौन कहाँ से बन गई, संज्ञा से। सर्वनाम से नाम धातु कैसे बनती है, अपना से अपनाना। ठीक है जी, विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है, साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लज्जाना, लालच से ललचाना,
फिल्म से फिल्म आना। तीसरी क्रिया की टाइप है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे काटना से कटवाना, मतलब खुद नहीं काम किया, किसी और से करवाया, दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित किया, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, मतलब स्वयं कार्य नहीं किया, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वो क्या हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से यदि पहले कोई क्रिया हो जाए तो वो पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये सारे के सारे टाइप्स और एग्जाम्पल्स के साथ हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। अब देखो, इन वाक्यों में पूजा की, ठीक है, और फोन किया मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे पहले कौन सी क्रिया हुई? नहाकर और पहुंचकर, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो पूर्वकालिक का अर्थ भी तो यही है, पहले समय में हुई। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया, कर आ गया, व्यक्ति ने भाग कर बस पकड़ी। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको पहचानने में आसानी हो पेपर में। छात्र ने पुस्तक को देख कर उत्तर दिया, मैंने घर पहुंच कर आ गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट, मूल क्रिया, जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, ना तो किसी अन्य धातु से उत्पन्न हुई हो तथा ना ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, मतलब एक ही धातु से बनी हो। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। उसने पत्र लिखा, रमेश आया, तो मूल क्रिया है कि मीन्स एक ही धातु से बनी। नामिक क्रिया, संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना। अब यहाँ पे देना, होना, पढ़ना क्या है? क्रिया कर है। तो कहने का मतलब कि इनके साथ क्या लगाया? क्रिया कर। इनको हम मिश्रित क्रिया भी कहते हैं। समस्त क्रिया, जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो,
तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे समस्त क्रिया कहते हैं। खेल कूद, दो से बनी खेल और कूद, लेकिन दोनों का अर्थ भी है। उठ बैठ, चल फिर, मार पीट, कह सुन आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वे फिसल गया, वे फिसल गया है। तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द की है, फिसला, ठीक है, पहले में एक शब्द की है, फिसला। दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्द की है, फिसल गया। तीसरे में देखो, पहले में क्या है, फिसला, दूसरे में दो शब्द की है, फिसल गया। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आ गई, गया, तो ये क्या हो गई, सहायक क्रिया। तीसरे में सहायक क्रिया क्या है, गया है। अरे मूल क्रिया के साथ ये मूल है, सहायक क्रिया लग रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इस वीडियो में क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है, उसकी अलग अलग टाइप क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्रिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सारे का सारा इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया, उदाहरणों के साथ किया गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखने के लिए शुक्रिया।